राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको पुश कीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज बात करेंगे हम शालिग्राम की। शालिग्राम और तुलसी और गंडकी नदी के बीच में क्या संबंध है और उनकी क्या कथा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं शालिग्राम की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु का भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पास उन सबको भेज दिया। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए उसको हराने के लिए। शंखचूड़ का भेष बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और वो नहीं समझ पाई कि शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु हैं और पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसे करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें, पाषाण में पत्थर बनकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो,
तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नाम नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को शत करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो जो गंडकी की नदी में पत्थर जो मिलते हैं वो सभी पत्थर शालिग्राम के रूप में रहते हैं, और शालिग्राम में तुलसी को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता। ये था तुलसी और शालिग्राम और गंडकी नदी का संबंध। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह भी किया जाता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी के रूप में माने जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।